जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। मैं सोच रहा हूं, गुरु जी ने हम पर कृपा की 1989 में, जब हमारे गुरु जी के दर्शन हुए, बल्कि गुरु जी ने शैव दर्शन में बोलते हैं ये डिवाइन ग्रेस है, मेहर है, ऊपर वाले की मेहर है। उसमें खुद महापुरुष परम शिव किसी कारण से खुद बुलाते हैं, ना कि हमारा कोई प्रयास चलता है वहां, हमारे कुछ नहीं चलता है। इसलिए गुरु जी ने मुझे एक इन्विटेशन लेटर भेजी और जब गुरु जी के दर्शन किए, गुरु जी से जुड़ गए, ब्लेस्ड हो गए। जैसे मेरे कुछ मित्र जानते हैं, मेरी बड़ी रुचि है बचपन से ही भगवान शिव के और माता शक्ति की ध्यान साधना में, और जो शिव पुराण शैव आगम है इस पर बड़ी मेरी स्टडी थी। अब प्रॉब्लम क्या थी, बड़े धर्म की स्टडी है, पढ़ना करना, मगर जो प्रैक्टिकल टिप है धर्म को कैसे रियलाइज कैसे करें, वो समझो त्रिशूल गुरुजी के पास ही था। तो गुरुजी की असीम कृपा से जो प्रैक्टिकल साइड है, हमें कैसे धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो गुरुजी की कृपा है। आज थोड़ा सा मेरा फोकस रहेगा इसी शिव पुराण और शैव दर्शन पर, इसी ज्ञान पर थोड़ी सी चर्चा है। तो इसकी बिल्कुल सीधी बात है कि अरे हम सब, मतलब मैं अपने आंटीज अंकल से कहता हूँ कि हमारे भाई बहनों से, कि हम जहाँ हैं वहीं रहे, उसी में आनंद ले। ये गृहस्थ में रहने, हमें ग्रह छोड़ के कहाँ जाएं, हम इसको बड़ी पवित्रता से गुजारे गृहस्थ को, और गृहस्थ में रहकर हम ईश्वर की प्राप्ति करें, ईश्वर की प्राप्ति करें, बाहर का सब फिट करके अंतर्मुखी हो जाए, अंदर की साधना करे, और जरूर जरूर अवश्य में कुछ दैवी प्राप्ति हो जाएगी। कुछ दिनों से चर्चा हो रही थी कि हम कैसे बनने चाहिए, हमारा नेचर कैसा होना चाहिए। इस पर मैंने एक हमारे एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने अपने पिताजी के बारे में कहा, उनका पिताजी परम शिव भक्त थे, साधक थे, तो और चर्चा करते थे, बड़े बड़े विद्वान उनके पास आते थे। तो क्या हुआ, एक दिन कहते हैं कि इंसान को, हमें हमारा नेचर कैसा होना चाहिए, प्लीज रिमेंबर, मैं हमेशा हर एक को बोलता हूं कि कभी भी तीन चीजें सबसे बेसिक है, ह्यूमिलिटी नम्रता, हर एक के लिए प्यार लव, और कंपैशन दया भावना, ये बहुत जरूरी है। इसी से समझिए कि डिवाइन शक्ति ओपन हो जाएगी, और किसी से नहीं, ये बहुत फंडामेंटल चीज है। मतलब बड़े बड़े महापुरुष भी इसका कैसे पालन करते हैं। इसी साधक की बात हम करें कि साधक बैठा था, बुजुर्ग था, कहते उसके चोर आ गया उसके घर में। जब चोर उसके घर में आए, अपने उसकी धर्मपत्नी थी अपने बेडरूम में सो रहा था, तो चोर बेचारा देख रहा है किताबें, बोला कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, सोना मिलेगा। आधा घंटा से चोर वो किताबों में ढूंढ रहा, किताबें हेर फेर करता रहा, उसकी आंखें खुल गई। बोला बेचारा चोर ऐसे ही पड़ा है, कुछ नहीं उसके पल्ले आ रहा है। उसने कहा, अरे बेटा मुझे बड़ा दुख हो रहा है, तेरी उंगलियां भी थक गई, तेरे हाथ भी थक गए, कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटा, मेरे जेब में कुछ सिक्के हैं, मैं देता हूं। कैसा चोर उसके चरणों पर गिर गया, बोला महाराज मैं आपकी जिंदगी पर आपका गुलाम रहूंगा, आपने मुझे अंदर की जागृति कर दी। तो ये हमारा स्वभाव होना चाहिए, बड़े हमें किस पोजीशन में हो, कितना ज्ञान प्राप्त किया हो, यही हमारा स्वभाव होना चाहिए, यही हमारा नेचर होना चाहिए। गुरु जी भी कहते थे कि असली चीज कोई मांगता नहीं है, जो रब से हमें जोड़ दे वही असली चीज है, वही गुरु जी की से हमें मांगना चाहिए, हमें ऐसा नेचर बनाओ कि हमें रब से जुड़ जाए। आज मैं थोड़ा सा शैव आगम के बारे में कहना चाहता हूं कि इसके परम गुरु सिद्ध गुरु है दुर्वासा ऋषि, आपने नाम सुना होगा दुर्वासा ऋषि के बारे में। कहते हैं कलयुग जब शुरू हो गया, भगवान शंकर ने दुर्वासा ऋषि को कैलाश पर्वत पर शैव आगम का ज्ञान दिया। भगवान शंकर ने अपना एक रूप धारण कर दिया, श्रीकंठनाथा एक भगवान शंकर का रूप था, और दुर्वासा ऋषि को इनिशिएट किया इस ज्ञान में, शैव आगम के ज्ञान में इनिशिएट किया। अब क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि ने पूरा ज्ञान लिया, मगर देखा अरे कोई इस ज्ञान समझने के काबिल ही नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त करने के काबिल नहीं है। कहते दुर्वासा ऋषि ने मानस पुत्र क्रिएट किया, मन से एक पुत्र क्रिएट किया, उसको कहते थे त्रंबकनाथा, और उन्होंने भी मानस पुत्र क्रिएट किया। ऐसे ज्ञान की परंपरा या उत्तम ज्ञान की परंपरा चलती रही। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 8वीं सेंचुरी में एक बड़े
शिव भक्त थे, उनका नाम था वासुगुप्त। कहते हैं वासुगुप्त जी बहुत सिद्ध पुरुष थे, शिव भक्त थे, बड़े नम्रता, त्याग नम्रता बस उसके मूर्ति थे वो। कहते हैं वहां एक बौद्ध साधु था नागबोधी, उससे जैलस हो गया, बोला अरे सब लोग इसकी तारीफ करते हैं, मैं ही इतना ज्ञानी हूं, मैं ही सब लोग मेरा फेम है, इसकी क्यों तारीफ करते हैं। कहते उसने इसको बुलाया शास्त्रार्थ के लिए, उसका अपमान हुआ वासुगुप्त जी का। जब वासुगुप्त जी का अपना अपमान हुआ, वासुगुप्त जी रात को अपने शिष्यों के साथ वापस अपने घर में आ गए, सोए, कहा कि भगवान शंकर मेरी बात किसी ने सुनी नहीं, मेरा अपमान हुआ। शंकर भगवान प्रकट हुए सपन में, कहा तुम महादेव माउंटेन पर जाओ, महादेव पर्वत पर जाओ, वहां शिव सूत्र का ज्ञान मिलेगा और दुनिया का उद्धार करो। कहते सवेरे अपने शिष्य के साथ महादेव माउंटेन पर, वो कश्मीर में बड़ी अत्यंत सुंदर जगह है, मैं 2-3 बार वहां गया भी हूं, कि वहां गए, वहां पत्थर पर चमत्कार हो गया, शिव सूत्र प्रकट हुए और इससे ये ज्ञान 8th century में रिवाइव हो गया। अच्छा, अब इस ज्ञान के बारे में बेसिक चीज है कि ये कहते हैं कि भाई हम सब शिव ही हैं, हम भगवान शंकर के बाहर नहीं हैं, हमें भगवान ने ही बनाया, हम सब भगवान ने ही बनाया है, खाली हम भगवान से फर्क क्या है, हम माया रूप हमें है, माया रूपी है शिव, हम सब माया रूपी शिव है, हमें अपने आप को पहचानना चाहिए और पहचान के आंतरिक साधना करना चाहिए, इसकी हम डिटेल चर्चा करते हैं। पर मैं ये एक बात कहना चाहता हूं कि कोई अपने आप को कमजोर मत समझिए, कभी हर लिहाज से आप किस मुसीबत में भी हो, कब न कब भगवान आपका कल्याण करेगा। और ये जो डिवाइन ग्रेस है, असली ज्ञान है, ये उसी की मर्जी से होता है। इस पर मैं आज एक चर्चा करना चाहूँ, कथा की चर्चा करना चाहता हूँ कि कहते एक मॉनेस्ट्री में, एक बहुत बड़ी चाइना में मॉनेस्ट्री थी, बौद्ध का लर्निंग सेंटर था, वहाँ सब कलाएँ विद्या शास्त्र तर्क अलग अलग चमत्कार सिखाते थे, और उनका एक गुरु था, वज्र गुरु नाम था उनका, वो उसके हेड थे। कहता एक बार वो बैठा हुआ है अपने कमरे में बैठा हुआ है, एक छोटा 12-13 साल का बालक उसके पास आ गया, उसके चरणों पर पड़ा, ऐसे बोला महाराज मुझे अपने पास रखो, महाराज मैं गरीब, बहुत ही गरीब हूँ, मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं है, शिक्षा प्राप्त नहीं की है, मैं महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ भी सेवा करूँगा पर मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे अपने चरणों में रखिए। कहते वज्र गुरु ने इसकी चेहरे की तरफ दृष्टि डाली, कहा तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं, तू खुद बड़ा है, तुम्हें कुछ यहां कोई काम नहीं है तेरा। तो उसने कहा महाराज मैं गरीब हूं, मैं मूर्ख भी हूं, गरीब हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, आपने मुझे यहां से भगा दिया, मैं आपके शरण में आना चाहता हूं, बैठना चाहता हूं। कहते वहां जो बाकी संगत थी कहा कि अरे महाराज रहने दो, ठीक लगता है लड़का तो, शरीफ लगता है, कोई ना कोई काम करेगा, यहाँ इतने विद्वान आते हैं, मेस में कुछ किचन विचन में कोई ना कोई छोटा मोटा काम देंगे इसको, महाराज इसको रखिए। वज्र गुरु ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक, आप लोग कहते हैं उसको रहने दो यहीं। तो बोला महाराज हम इसको जगह का बंदोबस्त करेंगे, जगह देंगे कोई ना कोई रहने की। तो खाली उसने कहा वज्र गुरु ने देखो चलो मैंने रख दिया तुम्हें यहाँ, अपने मेरे पास तो कभी नहीं आना, जब मुझे तेरी जरूरत हो मैं आऊँगा तेरे पास, तू आना नहीं, अपना काम करना। बोला ठीक है। समय बीता गया, वहाँ बड़े बड़े विद्वान आते थे दूर से, शिक्षा प्राप्त थे, ये जो विद्याएं ग्रहण करते थे, अलग अलग विद्याएं ग्रहण करते थे, ऐसा ही समय गुजर गया। कहते 12 साल हो गए, तो एक दिन क्या है, ये वज्र गुरु अपने सभा में बैठा था, सब आए थे, विद्यार्थी आए थे, वज्र गुरु ने कहा सबको अरे देखो भैया आज मैं आप एक बात कहना चाहता हूं, बात यह है मुझे धर्मराज ने बुलाया है, मेरा समय पूरा हो गया है। तब ये कहा, जब धर्मगुरु ने ये कहा, सब लोग ने हंस रोया ऐसे, महाराज ये क्या बोल रहे हैं। बोला देखो जो आया है उसको तो जाना ही है, यही प्रकृति का कुदरत का नियम है, ये तो नियम है सबका। अब मेरी एक ही थोड़ी सी चिंता है कि इतना बड़ा मठ है ये, यहाँ सब लोग सीखने आते हैं, दूर दूर से सीखने आते हैं, मैं चाहता हूं कि यहां मठ अधिकारी ऐसा हो, अभी तक इसका बड़ा नाम है, जो इसका नाम बराबर बाहर रखे। मैं चाहता हूं एक बड़े कैपेबल आदमी को, एक बड़े अच्छे विद्वान इसका मठ को हेड करे, मठाधीश बने, तो यही मेरी अब इच्छा है। और कहता है कि इसके बारे में मैंने सोचा है कि मैंने एक प्रश्न बनाया है, मैंने जो मेरे प्रश्नों का 4 लाइनों में उत्तर दे वही मठाधीश बनने के काबिल है, जो जिसका सबसे अच्छा प्रश्न हो वही मठाधीश बनने के काबिल है। तो कहा प्रश्न ये है कि हमें हमारी रियलाइजेशन कैसे होनी चाहिए,
हमें रियलाइजेशन कैसा होना, कैसे मिल सकती है, तो ये मेरा प्रश्न है। तो चल गए सब लोग, लगे काम पर जवाब देने में वगैरह 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 जवाब देने में। अच्छा, एक एक दो दिन जैसे गुजर गए, सब लोग यही कोशिश कर, मेरा जवाब अच्छा हो, मेरा जवाब अच्छा हो, इसी में कोशिश में लगे हैं। बड़ा शोर गुल मच गया वहाँ। वहाँ एक बड़ा स्कॉलर था, बड़ा विद्वान था, बड़ा माना हुआ स्कॉलर था। उसने कहा मेरा भी प्रश्न होगा, मैं दूंगा वज्रगुरु को, अगर मेरा प्रश्न सिलेक्ट नहीं हुआ तो मुझे बेइज्जती हो जाएगी, मुझे अपमान हो जाएगा, चलो अब मैं अपना जवाब कैसे दूं। तो उसने क्या किया, उसने सवेरे सवेरे धर्मगुरु के दरवाजे पर लिख दिया अपना जो उत्तर था, कि प्रश्न था कि हमें रियलाइजेशन कैसे मिलनी चाहिए। वो उसको उत्तर दे दिया कि हमारा जो मन है वो दर्पण है, वो जो वासना है वो धूल है, और धूल को हटाओ और हमें ऑटोमेटिक रियलाइजेशन मिल जाएगी। ये हम इसने उत्तर दे दिया। कहते अगले दिन जब वज्रगुरु निकले अपने कमरे से बाहर और दरवाजे पर देखा, बोला किसने जवाब दिया है, बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि हमारा जो जो मन है वो दर्पण है और धूल जो वासनाएं हैं, जब हम धूल हटा देंगे तो हमारा मन रियलाइजेशन हो जाएगा। अब वज्रगुरु सभा में बैठे, बड़े अच्छी तरह से बैठे, सब लोग विद्वान वगैरह है। धर्मगुरु ने कहा कि बड़े बड़े मुझे प्रश्न मिल रहे हैं, मैं अपना मठाधीश चुनना चाहता हूँ, सब लोग जवाब दे रहे हैं मेरे प्रश्न का। आज अजीब जवाब आया मगर दरवाजे पर, पता नहीं किसने जवाब लिखा है। तो जवाब ये था कि मन दर्पण है, धूल वासना है, धूल हटा दो तो मन रियलाइज हो, मतलब साक्षात्कार मिल जाएगा। धर्मगुरु ने कहा मुझे अच्छा लगा ये जवाब, अच्छा जवाब लगा। तो वो जो विद्वान था वो खड़ा होकर प्रणाम किया, पर महाराज ये मैंने ही दिया, आपका मैं शिष्य हूँ, मेरा ही जवाब था। बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा जवाब लगा मुझे। तो चलता रहा। अब कहते हैं 4 बजे विद्वान लोग सब चाय पीने जाते थे, ऐसा समझिए आप चाय का जगह था, कैंटीन या जो भी कुछ हम बोलेंगे, सब लोग वहाँ चाय पीने जाते थे। वो बेचारा जो लड़का था, उसके 12 साल हो गए थे, उसको बड़ा थोड़ा हो गया था, उसका काम यही था कि सबको चाय पिलाओ, यही काम था सबको चाय पिलाओ। अब बेचारा सबको चाय पिलाता था। अब वहाँ जो ये थे लोग थे वो बड़े थे, ये लड़का बोलता अरे ये क्या आज का शोर क्या मचा हुआ, सब लोग लगे हुए हैं चर्चा कर रहे हैं, ये क्या बात है। दूसरे कहा कि अरे तुम तो अपना चाय बनाओ, तेरे को क्या लेना देना इन बातों से, विद्वानों की बातों से मैं क्या लेना देना, तो अपना चाय बनाओ। बोला अच्छा अच्छा। एक ने कहा नहीं बेचारा ये भी इंसान है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये भी इंसान है, बताओ के। बोला बेटा ऐसा है कि वो जो अपना वज्रगुरु ने कहा कि उनका समय आ गया है, तो उन्होंने एक अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए एक प्रश्न डाला है, जिसका अच्छा उत्तर होगा उसको ही अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। बोला अच्छी बात है। बोला फिर क्या बात है, ये कौन सा जवाब आप बात कर रहे हो। बोला एक बहुत बड़ा ये गुरु जो है विद्वान है, उसने जवाब दिया तो धर्म गुरु को बड़ा पसंद आया। बोला जरा मुझे भी बता दो क्या जवाब है। बोला जवाब यह है कि प्रश्न है कि हमारी रियलाइजेशन कैसे होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार कैसे होना चाहिए, और उत्तर है कि हमारा मन है वो दर्पण है और वासना धूल है, जब हम धूल को हटाएं तो बस मन हमारा बिल्कुल रियलाइजेट हो जाएगा। उसने कहा अरे मेरे भी मन में भी प्रश्न है, मेरे मन में भी इसका उत्तर है, मगर मैंने कभी पढ़ा नहीं, मैं लिख नहीं सकता हूँ। सबने हंसा उसके पास। बोला बेवकूफ आदमी, तू कहता है तेरे पास उत्तर है, तेरे पास क्या उत्तर है, तो अपनी काम करो, अपना चाय बनाओ। एक ने खाने नहीं ऐसा बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं, अपमान मत करो गरीब का, चलो बेटा मैं तेरा जवाब लिखता हूँ, क्या जवाब है बताओ। इसने यही जवाब लिख दिया, उसने इसके बाद लिख दिया, बोला अच्छी जवाब है, चलो चलो ऐसा करें तुम्हें मैं तेरे को लेके जाऊंगा, हम वज्रगुरु के पास लेके जाएंगे, उसको भी सुनाएंगे तेरा जवाब। तो इसको दो तीन विद्वान वहां थे, वो चले गए वज्रगुरु के घर चले गए। बोला महाराज ये लड़का चाय बनाता है, हमें चाय पिलाता है, इसने भी सुना ये प्रश्न, उत्तर भी सुना इसने इसका विद्वान का, अब इसके मन में भी कुछ उत्तर है, तो महाराज मैंने लिखा है, ये लिख नहीं सकता है। बोला जरा दिखा दो। बोला अच्छा इसका जवाब क्या है, जवाब यह है कि इसने कहा कि जब मैं अंदर साधना में जाता हूं, न मैंने दर्पण देखा, न मैंने कोई धूल देखी है, जो इस स्टेज पर पहुंचेगा वही पहुंचा हुआ है, वही रियलाइजेशन के काबिल है। वज्रगुरु ने कहा बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोला, चले गए सब लोग चले गए। जब सब लोग चले गए, कहते मिड नाइट रात को इस बालक, जो एक कमरा बेचारे के पास था, उसको दिया हुआ था वहां आश्रम में, इस बालक के पास एक कमरा था, कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ, मिड नाइट को दरवाजे पर नॉक हुआ, वो उठा दरवाजा खोला, वज्रगुरु उसके घर आए थे, वज्रगुरु उसके घर आए, उन्हें वज्रगुरु को प्रणाम किया, बोला कि बेटा बात सुनो,
मैं 12 साल से तेरे को वॉच कर रहा हूं, 12 साल से तेरे को वॉच कर रहा हूं, पहले तू सोना है, अब तू बिल्कुल आग से निकला हुआ सोना बन गया, प्योर गोल्ड बन गया तू। बेटा तेरा ही जवाब सही है और ही तू ही मेरा उत्तर अधिकारी बनने के योग्य है। यू आर माई वर्दी डिसाइपल एंड हियर एपलेंट टू द मोनेस्ट्री। बेटा तू ही इसके बनने के काबिल है, मुझे पहले से ही पता था। अब मेरे मुझे खाली चिंता है, आई एम वरीड अबाउट योर वेलफेयर, कि यहां बड़े खतरनाक लोग हैं, ये मंत्रों से एक दूसरे को मार भी सकते हैं, बड़ी बड़ी क्रियाएं इनके पास है। बेटा मैं तेरी रखवाली की चिंता है मुझे, तेरे को कैसे बचाऊं, इसलिए मैंने सोचा तू अभी चल मेरे साथ, मैंने अरेंजमेंट किया तेरे को मैं दूसरे गांव भेजूंगा, तू 1-2-3 हफ्ता वहीं छुप जाओ और जब यहां ठंडा हो जाएगा माहौल तब मैं आपको वापस बुलाऊंगा और आई विल इनिशिएट यू एज माई हेड ऑफ माई मैच ये। फिर वज्र गुरु ने कहा कि मुझे यार अब तू बड़ी सेवा करता है 12 साल से, मुझे एक ही दुख है कि तू सबको देख रहा था, सब तेरे को देख रहे थे, तू सबको चाय पी रहा था, अरे ये बड़े बड़े विद्वान थे, बड़ी बड़ी क्रियाएं इनके पास आती थी, मगर किसी को आंखें नहीं थी कि तू किस स्टेज पर, तू रियलाइज पर्सन है, प्योर गोल्ड है, किसी को दिखा नहीं। ये मुझे बड़ा दुख है, इतना मैंने इनको पढ़ाया है, असली आंखें खुली नहीं है। समझिए ऐसे ही गुरुजी बोलते थे कि असली चीज कोई मुझसे मांगता नहीं था। तो यही है कि हम अपना जन्म वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इसी जन्म में कुछ रियलाइज करना चाहिए। तो बल्कि मैं चाहता हूं कि बस एक हम जो हमारा शिव सूत्र, ये दूसरी बात करता हूं कि एक आज मुझे 3 बातें करनी है अपनी प्यारी संगत से। पहली बात करना चाहे कि बस यही संसार है, यही हमें रहना है, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों का यही देखना है। ये संसार छोड़कर हम कहां जाएंगे, संसार में रहकर विद टोटल ह्यूमिलिटी लव एंड कंपैशन अपना आदर्श अपने आप पर विश्वास रख के एक पवित्र जीवन बिताना है। उसके लिए भी मैं ये कहता हूं कि इसको मैं कंक्लूड करूंगा कैसे बिताएं, मतलब हमारी ये समस्या है, वो समस्या है, मन नहीं लगता। मैंने कहा अरे अंकल एंड आंटी, हैव फेथ इन योरसेल्फ, आपके अंदर सब कुछ है, अपने आप पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, फिर अपने आप से ही प्यार करो, अपने अंदर ही सब कुछ है, ज्ञान भी आपके सब अंदर है, वही सच्चा ज्ञान है। तो ये मेरा एक प्रार्थना है सबसे। और दूसरी प्रार्थना क्या है मेरी, कि हम खुद सब लोग खुद हम अपने जज हो सकते हैं, हम देख सकते हैं हम किस लेवल पर हैं, क्या हम हमारी साधना कहां तक पहुंची, हमारा बिकॉज इसी जन्म में हमें कुछ ना कुछ पाना है, हम क्या अभी नीचे पर ही घूम रहे हैं, थोड़ा ऊपर नहीं आए हैं। इसके लिए क्या है, एक ये जो संसारी काम है, एक्सटर्नल थिंग, क्रिया मार्ग, इसमें मेडिटेशन भी आता है, रिचुअल्स, पूजा पाठ, सब ये लोअर लेवल का आता है, इससे हमें थोड़ा आगे निकलना है। आगे कैसे निकलना है, बाहरमुखी से अंतर्मुखी होना है, बाहरमुखी से अंतर्मुखी होना है, जब सब आपके अंदर देखना है, उसमें डीप मेडिटेशन, आंतरिक क्रिया करनी है, डीप मेडिटेशन, साइलेंस, जब मन लगे हमसे, समझे मेरे बात, विद टोटल फेथ एंड देन अंदर का मन, जब बाहर का खेल खत्म हो जाएगा फिर अंदर का खेल शुरू हो जाएगा, जब अंदर का खेल शुरू हो जाएगा उसमें हमारी प्रोग्रेस हो जाएगी, बड़े विजन्स हो जाएंगे और 100% कनेक्शन मिल जाएगा डिवाइन लाइफ में। ये दूसरी बात कहनी है। और मैं तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि हमें बहुत मुझे खुशी है, मंत्र जाप करते हैं लोग अपना अनुभव भी कहते हैं मंत्र जाप में, कैसे गुरु जी की इनके दर्शन होते हैं, गुरु जी से उनका लाइफ बिकम्स ब्यूटिफुल एंड गुरु जी से कनेक्ट करते हैं। और मेडिटेशन बहुत जरूरी है, मेडिटेशन, जस्ट साइलेंस, वॉच योर सेल्फ, और इसके मेडिटेशन के टेक्निक्स है अलग अलग टेक्निक से, और बेसिकली वी कैन गेट द बिगेस्ट ब्यूटी ऑफ हिज गुरु जी टू हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरु जी। हम सब बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्ट करो गुरु जी को, मंत्र जाप, गुरु जी को अपने मन के अंदर ले लो। जय गुरु जी।